हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 10 से 15 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे है, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है और वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। इसके बाद आपको 3.4 सेकेंड के आसपास आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे एक अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक वीडियो को शूट करके रख रखा हूँ, तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और जहाँ तक आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है वहाँ तक आपको लेयर को लेकर आ जाना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हमारा खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। फिर से वीडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्रोमा की को सिर्फ आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। यदि आप अपने वीडियो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कलर फिल्टर पर आना है और यहाँ से आपको कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये कलर कर देता हूँ सेलेक्ट। आपका वीडियो हमारा यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें सॉन्ग ऐड करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में ऑलरेडी सॉन्ग ऐड है। सेटिंग पर आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।